अस्सलाम वालेकुम डियर फार्मासिस्ट एंड अदर हजरात जो जिन्होंने ड्रैप टेस्ट के लिए अप्लाई किया था एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की वेबसाइट पर HEC के, तो उनकी राउंड पर स्लिप तो उन्होंने कल डिस्प्ले कर दी है। उन्होंने इंडिविजुअल मैसेज भी कर दिए, ईमेल भी कर दिए हैं कि राउंड पर स्लिप जो है ना आप अपनी डाउनलोड करें। अच्छा, उसमें साथ उन्होंने ये कहा है कि आपने बैंक रिसिप्ट भी जो आपने ऑनलाइन पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट भी आपने साथ लेके आनी है। अब रिसीव का ये इशू है कि मोस्टली लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट की थी तो जायज़ कैश से, तो उससे क्या होगा कि वो रिसीव नहीं होगी, या अगर किसी के पास होगी तो मोस्टली ये होगा कि 80-90% कैंडिडेट्स के पास स्लिप नहीं होगी। अच्छा, अगर अव्वल तो ये कि एप्लीकेशन होगी राउंड पर स्लिप आ गई, इसका मतलब यही है कि एप्लीकेशन सबमिट ही तब हुई थी जब तक पेमेंट वेरीफाई हुई थी। जो ही पेमेंट जब पेमेंट वेरीफाई होने के बाद ही वो हुई है एप्लीकेशन सबमिट, तो इसका मतलब है कि राउंड पर स्लिप का मतलब ही क्या पेमेंट हुई हुई है, तो ये HEC को शर्त रखनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर आप HEC ने शर्त रख ली है और जो फजूल शर्त रखी है, अगर रख ली है तो उसका भी तरीका ये है, जायज़ कैश का तरीका तो ये है या अपने किसी बैंक आपका जो होगा आपने जुलाई के मंथ की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री निकालनी है। जुलाई के मंथ की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री जो है ना उसमें आपने अपनी रेलिवेंट जो 1510 रुपये फ़ीस जो पे की थी आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके ना आपने, बल्कि उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ही पेज का निकाल लीजिएगा, बाकी बेशक ब्लर कर लीजिएगा जो भी है, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी दी हुई है और उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल दी हुई है आपने जो 1510 रुपये रिसीव जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की। मैं आपको जायज़ कैश वाली करके दिखाता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, बाकी आपने अपने अपने बैंक अकाउंट्स की जो रेलिवेंट ऐप्स हैं जहाँ से वो आपने वहाँ से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालनी है जुलाई की, और जो आपकी 1510 रुपये जो फीस थी वो आपने उसका प्रिंट लेके आप साथ ले चले जाएंगे, वो आपकी एक प्रूफ है कि आपने पेमेंट की हुई है। अव्वल तो राउंड पर स्लिप इटसेल्फ एक प्रूफ है कि आपने पेमेंट की हुई है, फिर भी एम्बिग्यूटी से बचने के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बाकी अगर किसी ने वेंडर से जायज़ कैश वेंडर से पेमेंट की थी तो अब उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह खैर करेगा। जो रिसीप्ट है जो वो मेरे ख्याल से उस पर इतनी सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए और राउंड बस स्लिप होना चाहिए। राउंड बस स्लिप का प्रिंट और ओरिजिनल आईडी कार्ड, ये दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। बाकी जो चीज़ें हैं जो रिसीप्ट है वो मेरे ख्याल से उस पर इतनी सख्ती नहीं होगी, उसमें कुछ चीज़ें को डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेंगे या वनडर ट्रैकिंग ले लेंगे कि आपने पेमेंट की हुई है। बाकी प्रिपरेशन के लिहाज से भी आप काफ़ी सीनियर्स की वीडियोस उधर पड़ी हैं यूट्यूब पे, लाई खान हैं और मैरी नाज हैं और जितने सीनियर फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने PPSC क्रैक किया हुआ है, तो उनकी भी रिकमेंडेशन ये है आप प्रिपरेशन करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक सब कैंडिडेट्स को, और मैक्सिमम कोशिश करें ज़्यादा परसेंटेज, चूँकि ड्रग लाज की है तो ड्रग लाज की प्रिपरेशन करें, बाकी भी प्रिपरेशन करें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने जायज़ कैश जो पेमेंट की हुई है उसकी रिसीप्ट तो आपके पास होगी नहीं, अगर रिसेंटली अगर आपने पेमेंट्स की हो तो उसकी रिसीप्ट निकल आती है, अदरवाइज़ आपकी रिसीप्ट वो नहीं निकलेगी। तो आपने जो जायज़ कैश से ड्रैप की टेस्ट फीस जो पे की थी तकरीबन जुलाई के मंथ में की थी, तो वो अब माई हम आप जायज़ कैश में आएंगे, माई अकाउंट्स में आएंगे, उसके बाद ये आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी जो रिसेंट लास्ट 20 डेज़ की जो रिसीप्ट वहाँ यहाँ शो हो रही होंगी। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो ये ऊपर आई वाला जो वो साइन लगा हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर वो दे रहा है कि आपने किस करना है। अब मैंने क्या किया, मैं मेरे ख्याल से ये जुलाई के बाद ही स्टार्ट हुई थी, तो मैं 12 जुलाई से लेकर सॉरी अगस्त जुलाई मैं तकरीबन 10 जुलाई से ऑनवर्ड मैं ना इसको सिलेक्ट करने लगा हूँ। 10 जुलाई से जुलाई 31 जुलाई तक, ठीक है, आपने अपनी कोई भी हिस्ट्री निकाल लेनी है। अगर आपके वो कहता है ऐड ईमेल, इसमें आपने को ना उसको कोई ईमेल दे देनी है, ठीक है, अपनी ईमेल, ये आपको आपकी ईमेल के ऊपर ना वो कर देंगे, आपकी वो सेंड कर दी है उन्होंने स्टेटमेंट, ठीक है। आपने अपने ईमेल पे जाना है, अपने इनबॉक्स में, ईमेल इनबॉक्स में जा कर आपने क्या करना है, अपनी स्टेटमेंट देखनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये एक ना जायज़ कैश की आई हुई है स्टेटमेंट, मैंने जो उन्होंने उनको ईमेल दी थी उन्होंने मुझे ईमेल स्टेटमेंट की हुई है, अब ये पूरी मंथ की स्टेटमेंट है। अब मैंने क्या किया, मैंने मेरी 14 जुलाई से जो पेमेंट हुई थी ना, ये देखें, ये वन लिंक वाली पेमेंट ये रही, ठीक है, 1510 रुपये, ठीक है,
तो अब क्या करना है, हमने ये वाला इसकी ट्रांजेक्शन आईडी दी हुई है, हमने क्या करना है इसी के ही आपने क्या करना है इसी पेज का प्रिंट लेके ना इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है, जो आपकी पेमेंट है इसको हाईलाइट करके ना आपने बेशक बाकी सारे उसको वाइटनर फेर दो जो भी है वो उनके रेलिवेंट नहीं है, इसको हाईलाइट करके ना आपकी जो वन लिंक वाली ये वाली पेमेंट है तो इसका प्रिंट लेके आप साथ चले जाइएगा, ये काफ़ी होगी क्योंकि हमें सबूत देना तो काफ़ी है ये।